सुबह 8 बजे से लगे और शाम 6-7 बजे तक, बल्कि रात 10 बजे तक अगर आप काम करें तो आराम से आप 300 से 350 आराम से आप अर्न कर सकते हैं। आपने देखा होगा अभी हमने 3 से 4 घंटे हमने काम किया, तो हमने ये देख रहे, ये अभी हम ऑर्डर पिक करने गए थे तो वहाँ की जो जो कस्टमर सर्विस की जो लड़की थी उसने हमें एक और फ्री में एक और पिज्जा दिया है। ऊबर ईट करते टाइम कभी कोई कंप्लेंट्स भी आती हैं आपको? जी हाँ बिल्कुल आती है, कंप्लेंट्स काफी सारी आती है। अक्सर औकात जब हम जाते हैं ऑर्डर पिक करने तो हमारे देसी भाई जो ये काम करते हैं कि पहले ही ऑर्डर पिक कर लेते हैं आके और फिर जो है ना अपना ऑर्डर कैंसिल करा देते हैं। तो जब हम जाते हैं पिक करने के लिए तो वो कहते हैं आपको ऑलरेडी जो है ना वो ऑर्डर किसी और ड्राइवर ने आके पिक कर लिया है। अच्छा मुझे एक इंसिडेंट याद आया है, मैं एक दफ़ा ऑर्डर डिलीवर करके वहाँ जा रहा था तो मुझे ऊबर की तरफ से कॉल आई और जब मैंने कॉल पिक किया तो साथ में वो कस्टमर भी लाइन पर था। तो वो ये कह रहा है कि मैंने ऑर्डर डिलीवर नहीं किया, जबकि मैंने ऑर्डर डिलीवर भी किया और मैंने वो पिक्चर भी लेके मैंने भेजी थी, कभी 30वें फ्लोर पे कभी 40वें फ्लोर पे, और कस्टमर नीचे आता नहीं है। वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले आप सबको रमादान बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का जो वीडियो है ना, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कनाडा के अंदर जो लोग, खास तौर पर टोरंटो के अंदर ऊबर जो लोग करते हैं, उनको कितनी इनकम होती है और ऊबर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऊबर करते वक्त कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं, ऊबर से घर चल सकता है या नहीं चल सकता, ये सारा आपको इस वीडियो में पता चलेगा। मेरा एक फ्रेंड है जो कि फुल टाइम ऊबर करता है, उसके पास जाने लगा हूँ, मेरी अभी बात हुई है, उसके पास जाते हैं, उसने मुझे बोला कि आप मेरे पास आ जाओ, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, बल्कि डिलीवरी भी करके दिखाएंगे कि ऊबर से जो है वो कितना पैसा बना रहा है और ऊबर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करनी भी चाहिए तो कितने घंटे करनी चाहिए, फुल टाइम करना चाहिए, पार्ट टाइम करना चाहिए। तो लोग जो ऊबर करें वो ऑलमोस्ट मंथली या आवरली कितना जो है ना, कितने घंटे, अगर 4 घंटे 5 घंटे जो लोग ऊबर करते हैं तो कितना पैसा बनाते हैं, ये सारा डिटेल में आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो उसके साथ। ये देखो, ये मार्च एंड है और ये कनाडा में स्प्रिंग चल रहा है, ऑफिशियली जो है ना स्प्रिंग आज अनाउंस हो गई है। और आपके सामने देखो अभी इतनी शदीद ठंड है, विंड स्क्रीन साफ करने के लिए वाटर जो वॉशर फ्लूड होता है वो डाला है और वो एक भी ना सेकंड जम गई है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा मुझे क्या चल रहा है आगे, ये हालत हो रखी है यहाँ पे। सुबह भी जो है वो अच्छी खासी विंड के साथ जो है ना, अच्छी खासी विंड स्टॉर्म भी था और साथ जो है स्नो भी थी कि विजिबिलिटी ख़त्म हो गई थी, कुछ नज़र ही नहीं आता था। मैं फ्रेंड के पास पहुँच चुका हूँ, चल के पूछते हैं भाई ऊबर के क्या हालात हैं, आई थिंक वो ऊबर ही कर रहा है इस टाइम ना। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक, क्या हाल है भाई? सलाम, आपको भी रमज़ान मुबारक, खैरियत से हैं, आप कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। अच्छा, मैं ना फेस नहीं दिखाऊंगा भाई का, क्योंकि भाई थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, तो बातचीत से आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा तो इलियास यार, सबसे पहले तो ये बताओ ऊबर के क्या हालात हैं इस टाइम टोरंटो के अंदर? ऊबर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऊबर, और ऊबर एक अच्छी अर्निंग, एक एक्स्ट्रा अर्निंग है आपकी, आप कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं और जो है वो लोग, कुछ लोग फुल टाइम करते हैं ऊबर ईट्स, कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं। दूसरा ये है कि आप अपने जो दूसरे आपके काम हैं, अगर आपको कोई अपना पर्सनल कोई काम है तो वो आप कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से, आपका अपना ये काम है, आप जब चाहे स्टार्ट करें, जब चाहे आप उसको एंड कर सकते हैं, और बीच में आप अपने भी पर्सनल काम कर सकते हैं, और एक ये अच्छी अर्निंग है। लेकिन मैं आपको एक ये मशवरा दूंगा कि आप जो है वो ऊबर पार्ट टाइम करें, क्योंकि ऊबर ईट्स जो है ना वो पार्ट टाइम ही बेहतर है। अच्छा, फुल टाइम नहीं करनी चाहिए? फुल टाइम नहीं, मेरा मशवरा है कि आप फुल टाइम इसको ना करें, क्योंकि फुल टाइम में आप, एक तो गैस बहुत महंगी है, फिर जब गैस महंगी है तो वो आपको इतना वर्थ इट नहीं करता। और ऊबर राइड के क्या हालात हैं? ऊबर राइड बहुत अच्छी है, ऊबर राइड्स का ये है कि अगर आप सुबह से अगर शुरू करते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं ऊबर राइड, 8 बजे या 9 बजे अगर आप स्टार्ट करें तो आप शाम तक जो है वो $250 से $300 आराम से बना सकते हैं। सीरियसली, लाइक ऊबर ऊबर राइड में? ऊबर राइड्स में आप बना सकते हैं $250 से $300 बना सकते हैं। अच्छा, यानी कि हम अगर दिन में स्टार्ट करें 12 घंटे, 8 घंटों में कितने पैसे बन जाएंगे?
8 घंटे में मैक्सिमम आपके बन जाएंगे $200, 200-250 आराम से बनेंगे। जबरदस्त यार, ये तो बहुत अच्छा है। Uber Eats is the best, लेकिन Uber Eats जो है ना, वो मैं आपको सिर्फ ये मशवरा दूंगा कि आप 3 दिन करें, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ओके, बस बाकी फुल टाइम जो है वो अगर आप करना चाहते हैं तो Uber Rides करें, वो ज्यादा बेहतर है। Uber Eat अगर हम करते हैं, अभी हम देखते हैं कि अगर हम अभी करना चाहें 3 से 4 घंटे तो कितने पैसे बनते हैं, ये देखते हैं अभी हम ना, अभी ऐप ऑन करेंगे और देखेंगे कितने पैसे बनेंगे हमारे। वैसे आईडियन कितने बन जाने चाहिए 3-4 घंटों में? 3-4 घंटों में मैक्सिमम आपके $50-60 तो बनने चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं फिर। अभी मैंने सुना कि Uber Eat जो है ना, Uber, चाहे Uber Ride है, Uber Eat है, बहुत इजी मनी है, और आजकल तो खास तौर पे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, इतने लोग Uber कर रहे हैं पार्ट टाइम के लिए, हर कोई रात को निकल पड़ता है, वाकई सच है ये? हाँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लोग जो अपने लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम कर रहे हैं, लोग फुल टाइम जॉब भी करते हैं और पार्ट टाइम जो है वो Uber Eats भी करते हैं। ये तो अच्छा हो गया यार। हाँ, तो ये है कि क्योंकि एक एक्स्ट्रा मनी है और एक तो इजी है, और फिर ऊपर से कि आप अपना पर्सनल काम भी आप कर सकते हैं इसमें, आप जब चाहे ब्रेक ले लें, जब चाहे आपको काम स्टार्ट करना है काम करें, आपको आप आराम भी कर सकते हैं, आप चाहे तो एक आध घंटा आराम करके फिर दोबारा अपना काम, आप खुद ही अपने इस काम के आप बॉस हैं, आप चाहें तो अपना ब्रेक जब लें, जब चाहे काम स्टार्ट करें आप। आई थिंक सबसे पॉजिटिव जो है ना वो यही है कि आप अपने खुद ही बॉस हो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ये आपका समझ लें अपना आपका खुद का काम है। चले, अब हम वेट करते हैं, अब हम गाड़ी में बैठते हैं और वेट करते हैं कि ऑर्डर हमें कितनी देर में आता है, अब हम आपको दिखाते हैं। आपने सबसे पहले तो ये करना है कि अगर आप Uber Eats कर रहे हैं तो आप कोई ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हों, जैसे ये आप सामने देख सकते हैं कि काफ़ी सारे यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, तो इससे ये होगा कि आपको ऑर्डर मिलने में आसानी होगी और जल्दी आपको ऑर्डर्स मिलेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सकेंगे। ये Uber Eats का ऐप है, तो अब हम ये करेंगे कि अब अगर हमें अब ऑर्डर लेना है तो सबसे पहले हम ऐप को ओपन करेंगे जो हमने कर लिया है, और फिर ये गो का बटन है, आप इसको क्लिक करें। तो अब हम ये हमने ऑन कर लिया ऐप, अब हम वेट करेंगे कि हमारा ऑर्डर हमें कब तक मिलता है। ठीक है, वैसे ये एरिया जो है ना, ये काफ़ी बिजी एरिया लग रहा है मुझे, और आज का रमज़ान भी है, तो आई होप सो हमें आज बहुत से ऑर्डर मिलने वाले हैं। लेट्स सी कितने ऑर्डर मिलते हैं और कितने पैसे जो है वो इलियास बना के घर जाता है आज। ठीक है, देखते हैं कितने पैसे बनते हैं भाई। बिल्कुल, आप अभी वेट करें, एक मिनट के अंदर अंदर मुझे लगता है कि आएगा कोई ना कोई ऑर्डर। जी, अभी आप देख सकते हैं ऑर्डर अभी आया नहीं है, तो हम अभी फिलहाल ये कर रहे हैं कि अभी हम जाएंगे कॉफ़ी पीने, तो फिर अभी हम कॉफ़ी पीने के बाद हम ऑर्डर को लेंगे करें। और Uber का सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि सबसे बेस्ट चीज़ इसकी यही है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं काम। जैसे अभी जब तक ऑर्डर नहीं आ रहा, हम चल के कोई कॉफ़ी शॉफी ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखो, यहाँ पे ना बिल्कुल लाइन में रेस्टोरेंट्स, लाहौर चटखारा और ये GC बर्गर, कितने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। ये देखें आप, एक ऑर्डर अभी आया हमें, हम सबसे पहले हमने ये देखना है कि कितने किलोमीटर का, अगर ज़्यादा किलोमीटर है और पैसे कम है तो हमने ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करना, और अगर पैसे ज़्यादा है और किलोमीटर कम है तो ही हमने ऑर्डर को एक्सेप्ट करना, वरना ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करना। अच्छा यार, मुझे ये बताओ कि आप जो Uber करते हो तो आपको कभी कोई मुश्किल पेश आती है इसमें या नहीं आती इतनी मुश्किल पेश, थोड़ा सा बताओ। Uber Eats में प्रॉब्लम आती है, जैसे दिन के औकात में ये होता है कि अगर हम सुबह अगर हम करते हैं तो ऑफिसेस के ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, तो उसमें ये होता है कि हमें बहुत जाना पड़ता है अंदर ऑफिस और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो इसलिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती हैं। और रात में ये है कि रात में हम घरों के ऑर्डर आते हैं तो घर में आप जाके दरवाजे पे बाहर रख दो और फिर वहाँ से रख के चले जाओ। अच्छा, तो ऑफिसेस के ऑर्डर जो होते हैं आपको अंदर जाके देना पड़ता है उनको, बाहर आते हैं ऑफिसेस के ऑर्डर जो है ना वो अंदर ही जाके देने पड़ते हैं, ज़्यादातर ऑफिसेस के ही आते हैं क्योंकि सुबह का टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है क्योंकि लंच टाइम होता है, और सुबह के टाइम पे लोग जो है ना ज़्यादातर जो बिजी टाइम होता है वो 12 बजे के बाद होता है, 12 से 2 का टाइम है ना उसी टाइम ही आता है, और वो ज़्यादातर या तो वेयर हाउसेज होते हैं या ऑफिसेज होते हैं उसी में आता है। घरों का जो है ना, घर में जो है वो शाम के टाइम पे आना शुरू होते हैं। Okay. तो शाम में और रात में बहुत ज्यादा इजी रहता है कि घरों के ही आते हैं। Uber Eat करते टाइम कभी कोई कंप्लेंट्स भी आती हैं आपको, यानी कि कोई कस्टमर कंप्लेंट की हो, कोई ऐसा वाकया? जी हाँ, बिल्कुल आती है कंप्लेंट्स, काफी सारी आती है। अक्सर औकात जब हम जाते हैं ऑर्डर पिक करने तो हमारे देसी भाई जो ये काम करते हैं कि पहले ही ऑर्डर पिक कर लेते हैं आके,
और फिर जो है ना अपना ऑर्डर कैंसिल करा देते हैं। तो जब हम जाते हैं पिक करने के लिए तो वो कहते हैं आपको ऑलरेडी जो है ना वो ऑर्डर किसी और ड्राइवर ने आके पिक कर लिया है ये, और ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। इस वजह से बड़ा ये प्रॉब्लम आता है, और ये स्पेशली हमारे देसी हजरात बहुत करते हैं ये काम। अच्छा, यानी कि आप ऑर्डर लेने जाते हो तो वो ऑर्डर ऑलरेडी कोई पिक करके चला जाता है, वो खुद खाना खा जाता है। जी हाँ, ऐसा ही है कि लोग खुद ही आते हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट पे आते हैं और पिक करके ले जाते हैं अपना ऑर्डर और खा लेते हैं, और फिर बाद में ऊबर से वो कैंसिल करवा देते हैं और फिर बाद में नीचे डाल देते हैं कि ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ। ओके ओके, तो ये तो यार काम खराब है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए बाकी ना। बिल्कुल, हमारे ये बहुत सारे जो हैं हमारे काफ़ी कम्युनिटी के लोग ये ऐसा काम करते हैं, सब नहीं है लेकिन कुछ हजरात ऐसे हैं जो कर रहे हैं ऐसा काम। देखिए ये 5-5.5 डॉलर का ऑर्डर है, और ये बहुत ये 9.4 किलोमीटर है, किलोमीटर बहुत ज़्यादा है तो हम ये ऑर्डर पिक नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे एक इंसिडेंट याद आया है। मैं एक दफ़ा ऑर्डर डिलीवर करके वहाँ जा रहा था तो मुझे ऊबर की तरफ से कॉल आई, और जब मैंने कॉल पिक किए तो साथ में वो कस्टमर भी लाइन पर था। तो वो ये कह रहा है कि मैंने ऑर्डर डिलीवर नहीं किया, जबकि मैंने ऑर्डर डिलीवर भी किया और मैंने वो पिक्चर भी लेके मैंने भेजी। तो लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना वो कंटिन्यू यही कहता रहा कि नहीं मुझे डिलीवर नहीं हुआ। तो फिर ऊबर जो ऊबर वाले हैं उन्होंने फिर उस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन किया और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि हाँ आपने अपनी जॉब डन कर दी है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि फ्री मील लेने के चक्कर में ये इस किस्म का हरकत करते हैं। तो ये भी कोई हालात हैं यार बाकी लोगों को, ये मोस्टली आई थिंक अपना कोई देसी बंदा होगा जो ये हरकत करते हैं। देसी ज्यादा है मगर बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत से लोग अच्छे भी हैं लोग, मतलब ज्यादा तादाद नहीं है ऐसी, कम है, मतलब आप कह लो कि 4-5% ऐसे लोग होंगे, ज्यादा नहीं है। बहुत से लोग अच्छे भी हैं, रिव्यूज भी देते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा टिप भी देते हैं। अच्छा, इसमें रिव्यूज का भी चक्कर होता है ऊबर में? बिल्कुल, रिव्यूज का होता है, आपकी रेटिंग होती है। अगर आपकी रेटिंग अच्छी नहीं आएगी आपको आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। आपका जब अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा तो आप कर ही नहीं सकते ऊबर फिर। ओके, तो आपको रेटिंग अपनी कैसे, यानी कि क्या क्या ख्याल रखना पड़ता होगा? कस्टमर्स को आप खुश तो किसी को नहीं कर सकते। सबसे बेहतर यही है कि जो टाइम लिमिट आपको, क्योंकि ऐप में जो टाइम लिमिट शो हो रही होती है कि इतने बजे तक ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, तो आप कोशिश करो कि उससे पहले ही आप उसको ऑर्डर वो डिलीवर करो। यही एक सेटिस्फैक्ट्री होती है बस। और ये देखो कि भाई मैं कोशिश करो कि जो शॉर्ट जहाँ से आप अपना टाइम टाइम बचा सकते हो, जल्दी से जल्दी ऑर्डर आप ड्रॉप करो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि और दूसरा ये कि जो मील हो वो फ्रेश होना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा भी मैंने देखा है कि जो है ना जब लेट हो जाता है तो वो खाना ठंडा हो जाता है, जब ठंडा हो जाता है तो वो भी लोग फिर आपको फिर रिव्यूज़ में फिर डालते हैं कि एक तो खाना हमें ठंडा ठंडा मिला और फिर टाइम पे नहीं मिला। तो ये भी एक ये आपकी जॉब के लिए नेगेटिव उसमें जाता है आपके। फिर उससे ये ओके, होता है कि आपकी रेटिंग गिरेगी, रेटिंग गिरेगी तो फिर आपकी आपका ऊबर का अकाउंट बंद हो जाएगा। आप जॉब ही नहीं कर सकोगे, आप कर ही नहीं सकते फिर और कुछ। अगर उबर कोई राइड कर रहा है तो उसमें भी ख्याल करना ऊबर पड़ता है। राइड्स के अंदर तो आपको इससे ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा, ऊबर राइड्स के अंदर तो आपको अपनी हाइजीन का ख्याल करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी क्लीन करनी पड़ेगी आपको। उनको बहुत अच्छे जो जो कस्टमर होता है आपको बहुत उसके साथ बहुत अच्छे से आपको उसको डील करना होगा। आप उसको पानी जब आप बैठो तो आप उसके साथ सबसे पहले तो अपना जो कस्टमर सर्विस है वो अच्छी आप उसको देने की कोशिश करो। आप उससे पूछो, आप पानी का पूछो, चॉकलेट का पूछो, और उससे पूछो कि आपका दिन कैसा रहा। ये सारी चीज़ें आपको ये आपके ये एक अच्छी चीज़ है, आपके आपको फ़ायदा करेगी। आपके आपकी आपकी रेटिंग अच्छी आएगी, आपके रिव्यूज़ अच्छे आएंगे तो आपको आप जॉब कर आप करते रहोगे। ये थोड़ा सा एक है, आपको इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। एक दफा अगर ऊबर का अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो वो दोबारा ओपन नहीं होता? वन टाइम एक दफा कर देते हैं, लेकिन जब सेकंड टाइम अगर बंद होता है तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए बंद हो जाता है, फिर वो ओपन नहीं करते। ये देखिए ये भी हम एक और ऑर्डर आया, लेकिन ये 15 किलोमीटर का, ये भी हम नहीं उठाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा किलोमीटर बहुत ज्यादा है, तो तो हम पैसे ये कम है। हाँ, पैसे कम है तो हम नहीं उठाएंगे। 3 डॉलर का, और ये बहुत कम किलोमीटर का, तो हम ये हम उठा लेंगे। ये लेस देन 1 किलोमीटर है तो हम ये हम उठा लेंगे। हमें ऑर्डर आया पिज़्ज़ा कराची से, तो अभी हम जाएंगे ऑर्डर पिक करने। तो हमने वीडियो बनाने के लिए आपको दिखा रहे हैं, तो छोटा ऑर्डर क्योंकि आज इतना काम नहीं आ रहा, तो हमें अभी हम ऑर्डर पिक करेंगे और आपको दिखाते हैं।
ऑर्डर पिक करने गए थे तो वहाँ की जो जो कस्टमर सर्विस की जो लड़की थी उसने हमें एक और फ्री में एक और पिज्जा दिया। ऊबर करने का ये एक फायदा होता है, यानी कि एक पिज्जा उसने दे दिया कि आप जाके खाओ घर में। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखें ऑर्डर को हम वेरीफाई करेंगे और फिर हम जाके वहाँ डिलीवर करेंगे। ये देखें आप, देखो एक और ऑर्डर बीच में आ गया। इलियास इसको उठाना नहीं उठाना, इसको 3.9 किलोमीटर है। नहीं नहीं बेकार है। कस्टमर ने नीचे लिखा हुआ है कि लीव एट डोर, तो अब हम ऑर्डर लेंगे और इसको दरवाजे पे हम ड्रॉप कर देंगे। अच्छा इलियास ये बताओ, जैसे अभी हमने एक घर के आगे ऑर्डर जाके ड्रॉप किया तो ये इजी रहता है या मैंने सुना है कि काफ़ी ड्राइवर्स कंप्लेन करते हैं, मेरे काफ़ी दोस्त भी करते हैं, तो वो बोलते हैं कि ना अपार्टमेंट्स के जो खास तौर पे ऑर्डर होते हैं तो ये बड़े वो अवॉइड करते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? आपको कौन से पसंद है, अपार्टमेंट्स के ऑर्डर भी पसंद हैं या खाली जो घर के ऑर्डर मिल जाए वो प्रेफर करते हो आप? नहीं अपार्टमेंट्स के तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, जो घरों के होते हैं वही मैं तो वही रिकमेंड करूँगा कि आप घरों का ऑर्डर ही पिक करें, क्योंकि अपार्टमेंट्स का ये होता है कि एक तो बाहर पार्किंग नहीं मिलती, फिर आपको रोड साइड पार्किंग करनी पड़ती है, समटाइम आपको टिकट लग जाता है और फिर ऊपर जाओ डिलीवरी करनी पड़ती है, कभी 30वें फ्लोर पे कभी 40वें फ्लोर पे, और कस्टमर नीचे आता नहीं अपना ऑर्डर पिक करने के लिए, आपको ही जाना पड़ता है ऊपर। हमें ही जाना पड़ता है और हम ही फिर वो कसम टाइम जो है ना रोड साइड पार्किंग करनी पड़ती है और टिकट भी लगने का डर होता है, तो बेहतर यही है कि आप जो घरों के ऑर्डर आते हैं ना आप जो है वहीं पर ही डिलीवर करें, वही सबसे बेस्ट। ऊबर की अर्निंग पे आप कनाडा में घर चला सकते हो या नहीं चला सकते? ऊबर की अर्निंग से आप घर तो नहीं चला सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये इसमें इतनी इनकम होती नहीं है, तो ऊबर जो है ना ऊबर ईट्स जो है ना वो बस पार्ट टाइम ही बेहतर है कि आप हफ्ते में सॉरी आप जो है ना वो दिन में तकरीबन 4 से 5 घंटे काम करें और इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ऊबर के अंदर इतना प्रॉफिट होता नहीं है। आप घर यानी कि मंथली घर बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, ये सिर्फ पार्ट टाइम ही बेहतर है। ये देखें हमने 3 घंटे में $67 हमने बनाए हैं, तो ये हमने सिर्फ पार्ट टाइम देखे काम करके बना लिया है, तो अब आपको हमने आपको वो भी दिखाया कि कैसे डिलीवरी होती है, कैसे हमने ऑर्डर पिक किया। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पर एंड करते हैं और आप जो है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।